पेरेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ लाडली योजना के बारे में। लाडली योजना जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी लाडलियों के लिए है, हमारी बेटियों के लिए है। तो इस योजना का लाभ वही परिवार उठा सकते हैं जिनके घर में बालिका का जन्म हुआ है और बालिका का जन्म स्थान दिल्ली होना चाहिए, दिल्ली के किसी अस्पताल या घर में बेटी का जन्म होना चाहिए। और जब आप इस फॉर्म को भर रहे हो तो कम से कम 3 साल दिल्ली में रहने का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे कि राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है या बिजली का बिल है। और आपकी जो वार्षिक आय है वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। सभी स्रोतों से मिलने वाली जो वार्षिक आय है वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस फॉर्म को आप कब भर सकते हैं? जब जो आपकी बिटिया है वो जन्म से लेकर 1 साल तक में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप तभी ये फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो बेटी के फर्स्ट क्लास में आने पर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फर्स्ट क्लास में या 6th क्लास में, 9th क्लास में, 11th क्लास में और 12th क्लास में भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आपने नहीं भरा है फॉर्म तो। और ये जो फॉर्म है जब आप भरते हैं तो ये सिर्फ 2 बेटियों के लिए ही मान्य है। अगर आपके घर में 3 बेटियां हैं या 4 बेटियां हैं तो आप पहली 2 बेटियों के लिए ही ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये सरकार ने कहा है ये सिर्फ 2 बेटियों के लिए ही मान्य है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इस फॉर्म को कैसे भरना है और कौन कौन से जरूरी दस्तावेज इस फॉर्म में लगेंगे। ठीक है पेरेंट्स, ये देखिए पेरेंट्स, ये होता है लाडली योजना का फॉर्म। तो इस तरीके से आपको इसको भरना होता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे भरना है। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ बालिका का नाम हिंदी में, तो जो भी आपकी बालिका का नाम है वो आप यहाँ लिख देंगे। मैंने अपना नाम लिखा है, बालिका का नाम अंग्रेजी में लिख देंगे आप यहाँ। और यहाँ पर लिखा है नाम एवं उपनाम के बीच एक डिब्बा खाली रखें, मतलब जो आपका नेम है और कास्ट है उसके बीच में एक डिब्बा आपको खाली रखना है। उसके बाद है माता पिता व बालिका का संयुक्त फोटो, इसमें मम्मी पापा और बिटिया की फोटो लगेगी इसमें। उसके बाद यहाँ पर लिखा है जन्म तिथि, कृपया नाम, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र के अनुरूप लिखें। जो भी आपके बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा है और आधार कार्ड में लिखा है वही नाम यहाँ पर आएगा। आपको बिल्कुल भी स्पेलिंग चेंज नहीं करनी है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही लिखना है। उसके बाद जन्म तिथि लिखनी है, उसके बाद जन्म का स्थान है, अस्पताल में, नर्सिंग होम में या घर में, कहाँ पर बच्चा पैदा हुआ है, बिटिया हमारी कहाँ पैदा हुई है, वो आपको लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दिल्ली में जन्म के प्रमाण पत्र की पंजीकरण संख्या। तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट देखेंगे, जन्म प्रमाण पत्र देखेंगे और वहां लिखा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप ये लिख देंगे। जारी होने की तिथि, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जहां लिखा होगा आपको वो लिखना है। जारी करता एजेंसी ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, आप देख लेना आपकी जारी करता एजेंसी कौन सी है जन्म प्रमाण पत्र की, तो आप वो यहां लिखेंगे। उसके बाद बालिका की माता का नाम, तो जो माता का नाम है वो यहां लिखेंगे, बालिका के पिता का नाम आप यहां लिखेंगे। श्रेणी कैसी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है या जनरल है। अगर जनरल कैटेगरी है तो राइट का निशान लगा देंगे बस, लेकिन अगर एससी एसटी या ओबीसी है तो जाति का प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको जमा करना है इसमें। उसके बाद आपको वर्तमान पता, जो आपका वर्तमान पता है जहां हम रह रहे हैं वो लिखना है। दिल्ली में रहने का 3 साल का प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है, जो भी आप एड्रेस लिखेंगे उसका आपके पास प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए, वो वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है, राशन कार्ड भी हो सकता है, बिजली का बिल भी हो सकता है। दूरभाष, अपना फोन नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद दूरभाष नंबर या मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है, तो अपना फोन नंबर आप जरूर देंगे। परिवार की वार्षिक आय क्या है, 96,000 रुपए, आपको याद रखना है कि आपकी 1 लाख रुपए से कम है। ठीक है, आय प्रमाण पत्र वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है। तो आपको शब्दों में लिख दिया आपने 96,000। अब विधानसभा क्षेत्र संख्या, जैसे कि आपको दिख रहा है मैं शिवम इनक्लेव शाद्रा के पास रहती हूँ, तो मेरी विधानसभा क्षेत्र संख्या 59 है, लेकिन अगर आपकी विधानसभा पड़पड़गंज है तो आप 57 लिखेंगे और अगर कोंडली है तो आप 56 लिखेंगे। उसके बाद है प्रार्थी की पुत्रियों की संख्या, प्रार्थी की पुत्रियों की संख्या कितनी है, 1 है या 2 है, आप ये लिखेंगे।
इस पुत्री के अलावा कितनी पुत्रियों के लिए लाडली योजना में पंजीकरण करवा चुके हैं। अगर आप करवा चुके हैं तो एक के ही लेकर आ चुके होंगे, क्योंकि दूसरी दो के ही ले ही पंजीकरण हम करवा सकते हैं, और या फिर नहीं, हो सकता है आपकी पहली बेटी हो। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपको इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है, लेकिन अगर आप लिखेंगे कि पहली का आप करवा चुके हैं और ये दूसरी पुत्री है, तो यदि हाँ तो ग्रुप मेंबर आईडी भी लिखें, ठीक है। तो आपको अपनी पहली बेटी की ग्रुप मेंबर आईडी लिखनी है। यह सहायता दो पुत्रियों तक ही सीमित है, ठीक है, सिर्फ दो बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद आपको आधार कार्ड संख्या लिखनी है, माता पिता के आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी है, ठीक है, मम्मी और पापा के आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी हमें चाहिए। फिर लिखा है क्या किसी अन्य राज्य की इस प्रकार की योजना से लाभ ले रहे हैं, तो आपको क्या लिखना है, नहीं लिखना है, आप नहीं ले रहे तभी आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। उसके बाद जो नीचे है इसमें भी आपको वही लिखना है, बालिका का नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखनी है, बालिका की माता का नाम, बालिका के पिता का नाम और वर्तमान पता लिखना है, और ये जो है कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ये फॉर्म जो है कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज जो है वो स्कूल द्वारा भरा जाएगा। अगर बालिका स्कूल में पढ़ती है तो नीचे दिए गए रिक्त स्थान अवश्य भरें, ठीक है। अगर बच्चा स्कूल में है तब ये फॉर्म भरा जाएगा, अगर आपने जन्म के समय ही फॉर्म भर दिया है तो ये नहीं भरा जाएगा, ठीक है। तो बालिका की फोटो यहाँ लग जाएगी, कौन सी क्लास में है, फर्स्ट सिक्स नाइन्थ इलेवन ट्वेल्थ, क्योंकि उस समय ही फॉर्म भरा जाता है। सेक्शन लिख देंगे, विद्यालय का नाम एवं पता लिख देंगे, सरकारी है या प्राइवेट वो लिख देंगे, विद्यालय कोड क्या है, जैसे हमारे स्कूल का कोड 100-2400 है वो लिख देंगे, विद्यार्थी की कोड संख्या वो लिख देंगे, आधार नंबर जो बालिका का है वो लिखना है, और यहाँ कक्षा अध्यापिका अपने हस्ताक्षर कर देंगे, और यहाँ प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर और मोहर लगी जाएगी जो कि टीचर करेंगी ये काम। उसके बाद आपने घोषणा पत्र भरना है, मैं जो भी पिता का नाम है, पुत्र जो उनके पिता हैं, मतलब ये बच्चे के पापा हैं और ये बच्चे के दादाजी हैं, मैं पुत्र इनका घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया विवरण मेरी जानकारी में पूर्णता सही है, यदि इसमें कोई भी सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है एवं लाभ को की जो राशि है ब्याज समेत वापस ली जा सकती है, ठीक है। उसके बाद पापा के साइन हो जाएंगे और यहाँ मम्मी के साइन हो जाएंगे, ठीक है, बस आपको ये करना है। अब आपको देखिए आपने फॉर्म भर दिया है, अब आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए आप ये देख लीजिए। एक तो आपको फोटो चाहिए, माता पिता व बालिका का संयुक्त फोटो चाहिए, एक बालिका की फोटो चाहिए, और ये देखिए क्या क्या चाहिए, आवेदन से पूर्व दिल्ली में रहने का 3 वर्ष का प्रमाण पत्र, जैसे कि राशन कार्ड, वोटर पहचान पत्र, बिजली पानी या टेलीफोन का बिल आपके पास होना चाहिए, बालिका का दिल्ली का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रार्थना पत्र पर माता पिता व बालिका का संयुक्त फोटो होना चाहिए, माता पिता का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको कैसे बनाना है अपना आय प्रमाण पत्र, स्वयं द्वारा सत्यापित आय घोषणा पत्र होना चाहिए, आप खुद ही अपने नीचे साइन करेंगे, और माता पिता व बालिका के आधार कार्ड एवं उसके आवेदन की छाया प्रति संलग्न करनी है, मतलब माता पिता का और बेटी का तीनों का ही हमें आधार कार्ड चाहिए। तो अब आप ये देख लीजिए कि आय प्रमाण पत्र कैसे बनाना है, आपने शपथ पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, जैसे कि मैं पिता अपने नाम लिख देंगे, पुत्र श्री पिता के पिता मतलब दादाजी का नाम आ गया, निवासी ये आ गया, इस एड्रेस है ये, घोषणा करता हूं इसमें आपकी बेटी का नाम आ जाएगा, जिसकी जन्मतिथि क्या है उसका माता पिता हूं ये आ जाएगा, मेरी पुत्री का जन्म दिल्ली में अस्पताल में हुआ है घर में हुआ है ये आ जाएगा, मैं अपनी पहली या दूसरी, ये आपको लिखना है पहली बेटी है या दूसरी बेटी है लड़की के लिए लाडली योजना में आवेदन कर रहा हूं, मेरी और मेरी पत्नी की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रुपए 96,000 रुपए है, और मेरी लड़की कि जो कक्षा है वो कौन सी क्लास में पढ़ रही है वो लिखना है आपको। उसके बाद हस्ताक्षर आ जाएंगे, मोबाइल नंबर आ जाएगा और डेट आ जाएगी, इसकी भी मैं फोटो आपको इस वीडियो में डाल दूंगी कि इस तरीके से आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है, और ये याद रखना है कि 1,00,000 रुपए से कम होगी तभी इस योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। तो ये आपका आय प्रमाण पत्र हो गया है, ठीक है, इस तरीके से आप आय का प्रमाण पत्र बना लेंगे। अब ये जब आप फॉर्म भर लेंगे तो आप अपनी टीचर को सबमिट करवाएंगे, उसके बाद 1-2 महीने बाद टीचर जो है आपको क्या देगी, ये जो नीचे की स्लिप है
ये देखिए, ये नीचे की स्लिप जो है आपको ये दे, ठीक है। उसमें क्या होगा, कार्यालय द्वारा ये फॉर्म भर दिया जाएगा इस तरीके से, जो अभी तक खाली था। जब हमने भरा था तो ये तो कार्यालय द्वारा भरा जाना था, हमने तो सिर्फ फॉर्म भरना था। तो फिर उसके बाद यहाँ से कट करके वो आपकी मैम को दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से उसमें लिखा हुआ होगा। और ये वाला जो रसीद है, कृपया इस रसीद को संभाल कर रखें, आपको इस रसीद को संभाल कर रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी आपको 18 वर्ष के होने के बाद बच्चे के रुपए मिल पाएंगे। इस रसीद को आपको रखना है, और आपको कृपया पीछे दिए गए दिशा निर्देश भी पढ़ने हैं कि इस दिशा निर्देश क्या क्या लिखे हुए हैं। तो इसमें लिखा है, प्रार्थना पत्र बालिका की जन्म तिथि से एक वर्ष के अंदर अपने जिला कार्यालय में जमा कराएं, ठीक है। उसके बाद है, प्रार्थना पत्र विद्यालय में दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 31 अक्टूबर तक जमा होगा, अन्यथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब जो लास्ट डेट होती है इस फॉर्म को भरने की या रिन्यूअल करने की, वो 31 अक्टूबर होती है। मैं अभी आपको बताती हूँ रिन्यूअल के बारे में। अभी तक आपने तो फॉर्म भरने के बारे में तो आपने सीख लिया है, अब रिन्यूअल क्या होता है, ठीक है। रिन्यूअल कैसे होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप फॉर्म भर लेंगे तो आपको इस तरीके की स्लिप मिलेगी, ठीक है, ये होती है रिन्यूअल स्लिप, ठीक है। अगर आप बच्चे ने बर्थ के समय फॉर्म भरा हुआ है आपने, तो आपको ये फर्स्ट क्लास में जब बच्चा आ जाएगा तो उसकी टीचर को देना है, ताकि वो उसे रिन्यू कर सके। और अगर बच्चा पहली बार फर्स्ट क्लास में ही फॉर्म भर रहा है तो उसको रिन्यूअल कब होगी, ये 6th क्लास में रिन्यू होगी। तो जो रिन्यू होता है वो फर्स्ट क्लास में होता है, 6th में होता है, 9th में होता है, 11th में होता है और 12th में होता है, ठीक है। फर्स्ट क्लास में, 6th क्लास में, 9th क्लास में, 11th क्लास में और 12th क्लास में ये रिन्यूअल होता है, तभी आपको 12th के बाद इसकी राशि मिलेगी, ओके। इसमें लिखा भी है, पहली, छठी, नौवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं में दाखिला लेने पर होगा, अतः माता पिता इन कक्षाओं में बालिका का प्रवेश होते ही अप्रैल से सितंबर माह में आवश्यक दस्तावेज विद्यालय में जमा कराएं व नवीनीकरण कराएं, ठीक है, रिन्यूअल कराएं, नवीनीकरण कराएं। स्कूल के माध्यम से आने वाले पंजीकरण, नवीनीकरण जिला, उसी जिला कार्यालय में जमा होंगे जिस जिला के अंतर्गत स्कूल आते हैं, ठीक है। डाक द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्र किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बस आपको यही करना है कि आपको इस फॉर्म को भरना है और अपनी टीचर को देना है। और अगर आपने फॉर्म पहले से ही भर रखा है तो आपको ये वाली स्लिप अपनी मैम को देनी है। इसकी फोटो कॉपी कराकर आप दे सकते हैं या फोटो खींच के आप दे सकते हैं, ताकि मैम इसको आपको आपके जो रिन्यू है वो कर सके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फॉर्म भरना है और किस तरीके से रिन्यूअल करना है। और अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें क्या करना है, या कुछ कोई बात समझ में नहीं आई हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसकी भी मैं फोटो आप डाल दूंगी इस वीडियो में, शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र की। पेरेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लाडली का फॉर्म कैसे भरना है और कौन कौन से मुख्य दस्तावेज आपको चाहिए और रिन्यूअल कैसे करना है, किस तरीके से नवीनीकरण होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। पर अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको ये वाली प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म को भरते हुए। एंड आई होप कि आप इस फॉर्म को भरें और आप इस योजना का लाभ उठा सकें और हमारी बच्चियां पढ़ सकें, लिख सकें, आगे बढ़ सकें। मैं यही आशा करती हूँ कि हमारी बच्चियां आगे बढ़ें। ओके, थैंक यू।